हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, मिस्टर फूड्स जिसमें लगातार गिरावट जारी है और शेयर अपने करीब करीब 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है, इसमें एक धमाकेदार अपडेट आई है और ये अपडेट काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है इसके कारण कुछ न कुछ आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिले मिस्टर फूड्स में। मिस्टर फूड्स के बारे में बताने के पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए मंडे के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, फ्राइडे को जो मैंने 3 जैकपॉट शेयर दिए थे, 2 गए 20% अपर सर्किट में और 1 गया 8% अप। मंडे के लिए जैकपॉट शेयर भी रेडी है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। एंड सेकेंडली, सुपर इन्वेस्टर चैनल की ओर से आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्विस भी दिया जाता है। अगर आपको टाइम नहीं है पोर्टफोलियो मैनेज करने का या आपको समझ में नहीं आता है कौन सा शेयर लेना चाहिए कौन सा बेचना चाहिए, तो आप हमारे एक्सपर्ट टीम को आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए दे सकते हो। उसके डिटेल्स के लिए भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, मिष्ठान फूड्स का फ्राइडे का रेट था 7 रुपीज़ 41 पैसा एंड 52 वीक हाई था 14 रुपीज़ 40 पैसा। फ्रेंड्स, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.30, EPS है 0.50 एंड EPE है 15। सब कुछ अच्छा है, फिर उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट जारी है। हालांकि क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी शानदार आए थे, 14 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, उसके बावजूद भी शेयर लगातार गिरते गया और उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इंतज़ार है क्वार्टर 4 के रिजल्ट का, जो कि शानदार आने की उम्मीद है, क्योंकि वो शानदार आए तो ही शेयर में तेजी आएगी और तेजी आएगी तो कंपनी ने राइट इशू डिक्लेयर किया था 150 करोड़ का, उसका रिकॉर्ड डेट और प्राइस डिक्लेयर करेगी कंपनी, उसका ही सबको इंतज़ार है। हो सकता है उसके बाद में तेजी आए। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो आपको अपडेट बताने जा रहा हूँ मिष्ठान फूड्स का, एक तो प्रोमोटर ने अपना लगातार होल्डिंग बढ़ाया है, 49.28% से प्रोमोटर का होल्डिंग हो चुका है 49.77%। बट उससे भी इम्पोर्टेंट अपडेट यह है कि FII ने अपना होल्डिंग 1.13% से एंट्री मारी है मार्च क्वार्टर में। दिसंबर क्वार्टर तक मिष्ठान फूड्स में FII का कोई भी होल्डिंग नहीं था, बट मार्च क्वार्टर में FII ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है मिष्ठान फूड्स में, 1.13% से होल्डिंग ऐड किया है। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि FII जो कि इन्वेस्ट करते कोई भी शेयर में तो काफ़ी लॉन्ग टर्म का नज़रिया और स्टडी करके करते हैं, तो 1.13% की जो एंट्री है जो इसमें FII की, ये काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है आने वाले दिनों में शेयर में तेजी बने और फ्यूचर का मल्टीबैगर शेयर बने मिष्ठान फूड्स। आपने इतने दिन होल्ड किया है तो होल्ड कीजिए, कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मिष्ठान फूड पलट भी सकता है। हालांकि अगर आपने बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में इन्वेस्ट करके रखा होगा तो थोड़े बहुत शेयर्स बेच के आप दूसरे शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि जब तक क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद हम नहीं कर सकते, बट FII की होल्डिंग इसमें आई है पहली बार, वो भी 1.13%, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है शेयर के लिए। इससे लगता तो है कि आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।